प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के दूसरे अध्याय शिशु लालनम अर्थात बालक का लाड प्यार, उसका अध्ययन करेंगे। और यह कितनी हर्ष की बात है कि आज 5 अगस्त को भगवान श्री राम की जो मंदिर बनने वाला अयोध्या में, उसका पूजन हुआ और यह पाठ भी श्री राम को ही समर्पित है। यह नाटक है लव और कुश। राम के दरबार में जब आते हैं तो श्री राम उन्हें जो है उनका वात्सल्य देख करके अभिभूत हो उठते हैं और उन्हें अपने गोद में बिठाने का प्रयत्न करते हैं। सिंहासन के ऊपर भी उन्हें आधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मोहिनी मूर्त से वह जो है वशीभूत हो उठते हैं। तो बड़े ही संयोग की बात है। और आइए इस शिशु लालनम पाठ का एक बार हम परिचय प्राप्त करें कि इनके जो रचयिता कौन है। तो यह जो प्रसिद्ध नाटक है, यह कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। यह मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसे पोज करके लिख सकें। कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार दिंग नाग हैं। यह दृढ़ ना बोले इसे, क्योंकि क ख ग घ अंग होता है, क ख ग घ अड़ नहीं होता, तो यह दिंग नाग है। और इस नाटक का सार यही है कि वन में निर्वासित यानी भेजी गई माता सीता के साथ वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले लव और कुश राम दरबार में उपस्थित होते हैं, जिनके सौंदर्य एवं बुद्धिमता से प्रभावित होकर राम उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अतिशालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। पर राम उन्हें अपनी गोद में बैठाकर आनंद की अनुभूति करते हैं। दोनों बालकों के प्रति राम के सहज एवं स्वाभाविक स्नेह का अत्यंत मनोहारी जो है वर्णन इस हमारे अध्याय में किया गया है। तो आइए हम प्रथम पैराग्राफ का अध्ययन करें। सर्वप्रथम नाटक का जो सीन है वह क्रिएट किया गया है कि सिंहासनस्थ राम है। राम जो है वह सिंहासन पर स्थित है। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ततः प्रविशतः, तब प्रवेश करते हैं कौन, विदूषके नोपदिश्यमान मार्गो। विदूषक होता है जो नाटक के प्रारंभ में आता है, वह जो है विदूषक, वैसे कहते हैं हंसाने वाले को, जो उसके ऊपर आकर के पहले नाटक का कार्यक्रम बांधता है कि इस प्रकार से यह होगा। तो इस प्रकार से विदूषक केनो, विदूषक के द्वारा उपदिश्य उपदेश किए जाते हुए या दिखाए जाते हुए मार्गव मार्ग से तापसव, दोनों तपस्वी कौन, कुश लवव, कुश और लव प्रवेश करते हैं। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करते हैं विदूषक के द्वारा उपदिश्य दिखाए गए या उपदेश किए गए मार्ग से दोनों तपस्वी लव और कुश। विदूषक कहता है उन्हें, जैसे स्टेज पर लेकर के आता है, कि इत इत आर्यो, हे आर्य इधर इधर से आए। कुश लव, कुश और लव रामस्य समीपम उपसृत्य, कि राम के समीप उपसृत्य जाकर के प्रणम्य च और प्रणाम करके। यह घटना आप जानते ही हैं कि स्टेज के ऊपर व्यक्ति जो है किस प्रकार दर्शाता है उसे, और पूछते हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य, कि महाराज जो हैं, अपि कुशलम, क्या कुशल हैं, कि महाराज आप क्या अच्छी प्रकार से सकुशल हैं। यह जो है संवाद लव और कुश युगल स्वर में बोलते हैं। राम कहता है कि युष्मद दर्शनात, आपके दर्शन से कुशलम इव, कुशल ही हूं। भव तो आप किम, क्या अत्र यहां वयम हमारे कुशल प्रश्नस्य, सिर्फ कुशल क्षेम का जो प्रश्न है भाजनम, क्या मैं उसका ही पात्र हूं। भई आपने जो कुशल क्षेम मेरे से पूछा, क्या मैं उसी का पात्र हूं, अर्थात नहीं, और भी तुम्हें कुछ करना है। उसके लिए राम जो है इस प्रकार की भाषा का वक्तव्य अपना करता है कि कम क्या भव तो आप दोनों के द्वारा अत्र यहां पर वयम, जो हम सब या हम कहिए, कुशल प्रश्नस्य, क्या कुशल क्षेम के प्रश्न का ही भाजनम भाजन हूं, क्या मैं सिर्फ यही पूछा जाने योग्य हूं। न पुनर्तिथि ही जन समुचितस्य कंठाश्लेषी,
कि पुनः जो है दोबारा से प्रकाश में लाने के लिए शब्द बोला जाता है कि अतिथि के जन समुचितस्य का अर्थ क्या हुआ, अतिथि जन के लिए, जन समुचितस्य अतिथि जन के लिए कंठाश्लेष्य गले लग जाना क्या ठीक नहीं है। कहता है कि भवतो आप किम क्या अत्र यहां आप लोगों के द्वारा केवल कुशल प्रश्नस्य, कुशल प्रश्न के ही भाजनम एव के भाजन के ही मैं योग्य हूं। पुनः कहता है कि अतिथि जन के लिए जो उचित है, उचितस्य उचित है क्या, कंठाश्लेष्य, कंठाश्लेष्य क्या होता है, गले लग जाना। जो गले लग जाना है अतिथि जन जैसे ही कोई आता है और आकर के गले लगते हैं क्या वो ठीक नहीं। और परिष्वज्य, परिष्वज्य क्या होता है, गले लगा करके। अब राम स्वयं उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अहो अरे हृदय ग्राही स्पर्श है, यह तो हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। स्पर्श कैसा है, हृदय को छू लेने वाला, आनंदित कर देने वाला। और आसना अर्धम उपवेशयति, और उन्हें आधे, अर्ध क्या होता है, आधे आसन, आसन पर, और उपवेशयति बैठाता है, आधे आसन पर भी बैठाना चाहता है। उभौ दोनों कौन, लव और कुश, राजा आसनम खलु एतत, खलु होता है निश्चय ही, एतत यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, न युक्तम उचित नहीं है अध्यासितुम बैठना, कि इसके ऊपर जो है यह राजा का आसन है इसलिए इस पर बैठना उचित नहीं है। राम कहता है कि स व्यवधानम, स व्यवधानम क्या क्या अर्थ क्या होता है कि रुकावट सहित, स व्यवधानम रुकावट सहित यदि कहता है कि बैठा जाए तो न चरित्र लोप आए, न चरित्र लोप आए, चरित्र की फिर हानि नहीं होती। यदि आप सावधानी पूर्वक ठीक से बैठते हैं तो फिर क्या है, चरित्र की हानि नहीं होती। और तस्मात अंकम, तस्मात अंकम, अंक होता है गोद, तस्मात कहता है कि तस्मात अंकम गोद से, अब वो अंक गोद में है किसके, श्री राम के, इसलिए गोद जो है उससे व्यवहित, यानी गोद में आप बैठे हुए ही आध्यस्यताम सिंहासनम, सिंहासन पर बैठ जाए। गोद से अवरुद्ध, व्यवहित क्या होता है, अवरुद्ध, यानी गोद में तो आप बैठे ही हो, आस और आध्यस्यताम सिंहासनम, अब आप सिंहासन पर भी बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, गोद में उन्हें बैठाता है। उभौ दोनों अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा पूर्वक जो है मना करते हैं, कहते हैं राजन अलम अति दाक्षिणेन, अलम बंद कर दीजिए या रोक दीजिए, अति दाक्षिणेन क्या होता है कि अत्यधिक जो आपकी दक्षिण यानी दक्षता है या कुशलता है, अलम वह ना करें, कि हे श्री राम जो आपके अंदर ये ज्यादा आप जो ये शो कर रहे हैं अपना प्रेम, जो दक्षता है आपकी कुशलता है, वह अलम ना करें। तो इस प्रकार से आप एक बार इनके शब्दार्थों को देख लीजिए, उपसृत्य पास जाकर, कंठाश्लेष्य गले लगाना, परिष्वज्य गले लगाकर, कंठाश्लेष्य गले लगाना है और परिष्वज्य आगे की घटना गले लगाकर, हृदयग्राही हृदय को छू लेने वाला, आनंदित कर देने वाला, उपवेशयति बैठाता है, अध्यासितुम बैठने के लिए, सव्यवधानम रुकावट सहित, आध्यस्यताम बैठिए, और अलिम दाक्षिणेन अलम अति दाक्षिणेन अत्यधिक दक्षता या अत्यधिक कुशलता ना करें, अंकम होता है गोद। तो प्रिय विद्यार्थियों आपका इनका पता चला, और जैसे हम लिखते हैं कि प्रस्तुत जो है, यहां देखें प्रस्तुत नाट्यांश संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तक, कौन सी हमारी पाठ्यपुस्तक, शेमुषी द्वितीय भाग में संकलित पाठ, कौन सा पाठ है, शिशु लालनम से लिया गया है ये नाट्यांश, और यह पाठ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार कौन है, दिंगनाग द्वारा रचित है, और कहां से, कुंदमाला नामक नाटक के पंचम अंक पर आधारित है। कुंदमाला एक नाटक किसने लिखा, दिंगनाग ने, उस नाटक के अंदर एक पांचवा अंक है, वहां से यह जो पैराग्राफ है उठा करके लिया गया है ये नाटक का सीन। और इस नाट्यांश में लव और कुश द्वारा राम के पास आने और राम द्वारा उन्हें गले लगाने का वर्णन किया गया है। तो पीछे के जितने भी मेरे वीडियोज हैं वह आपको आरपी गुरुजी आरपी शोरान का जो मैंने चैनल क्रिएट किया है उसको क्लिक करते ही ऊपर प्लेलिस्ट को क्लिक करें और वहां से आप जो है प्रीवियस वीडियो
एक जगह दसवीं का जो आइकन मिलेगा उसमें से प्राप्त करें। कार्य आप जो है समय पर करते रहें। 10 या 11 मिनट का जो हम छोटा सा वीडियो बनाते हैं, यह एक या दो बार सुनना ही आपके लिए पर्याप्त है, और अपना कार्य समय पर करें। धन्यवाद।